हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जा रहे हैं ईटी का एग्जाम लिखने। ये दोस्त है मेरे, दो जन। देखिए, गुड मॉर्निंग बोल दो। मॉर्निंग। हम लोग एग्जाम लिखने जा रहे हैं। अभी बस आया नहीं तो यहाँ पर खड़े हैं हम लोग। अभी बस आने से जाएंगे एग्जाम लिखने। बस अभी हम विष्णुपुर बहुत चक्कर में हैं। अभी हम एग्जाम सेंटर पहुंच गए। अभी आपको हम एग्जाम सेंटर का नज़ारा दिखा देंगे। अभी हम लोग एग्जाम देके निकले हैं। यहाँ पर अभी पानी पी रहे हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। हाँ, आप एकदम हेडेक मत लीजिएगा, थोड़ा भी बस आइए और यहाँ पर कंप्यूटर में क्लिक कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम घर पहुँच गए। एग्जाम तो बहुत ही अच्छा गया जैसे मेरे को लग रहा, पर अभी रिजल्ट ही बताएगा कि कितना सही है कितना गलत है। एग्ज़ाम देने जाने टाइम आधार कार्ड ले लीजिएगा अपना ओरिजिनल वाला, और एडमिट कार्ड जो डाउनलोड किए हैं दो गो, एडमिट कार्ड के साथ एक गो फोटो भी ले लीजिएगा एग्ज़ाम सेंटर में, वो ज़रूरत है। और एक गो फोटो आपको एडमिट कार्ड में चिपका लीजिएगा। आप पेन भी लीजिएगा साथ में। और लड़कियां मैग्नेट का सामान कुछ भी अगर कान में, नाक में, गला में, तो आप उसे घर में रख दीजिए, फिर जाइएगा वहां पर, क्योंकि वहां पर अंदर आपको पहन के मैग्नेट का सामान अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। और लड़कों को भी बेल्ट, बाला या फिर कुछ भी मैग्नेट का सामान पहन के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा अंदर एग्ज़ाम सेंटर। वो लोग को बाहर में खोल के रखना होगा उसको, फिर अंदर जाने दिया जाएगा। इसलिए सबसे अच्छा यह है कि आप मैग्नेट सामान घर में ही रख दीजिएगा तो ही अच्छा है। तो वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग को भी पता चले कि क्या क्या लेके जाना है और क्या क्या नहीं। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मैं रिप्लाई दे दूँगा।